देश में बच्चों के भविष्य की चिंता आम तौर पर उनके अभिभावकों को अक्सर सताती है, और सच ये भी है कि बच्चों में कला को तराशे बिना उनके भविष्य को लक्ष्य देना असंभव है। तो हम बात कर रहे हैं द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में कुछ इस तरह ही प्रशासन व शिक्षा संस्थानों द्वारा बच्चों को होनहार बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। शहर में सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को शिक्षा के साथ साथ हस्तकला में भी होनहार बनाया जाता है। उन्हें ऐसे तरह तरह के कोर्स स्कूली शिक्षा के दौरान सिखाए जाते हैं, जिससे उनके भविष्य में वे उस कोर्स के बलबूते पर आत्मनिर्भर बन सकें। जब अर्थ प्रकाश की टीम 24 मई करीब 11 बजे सेक्टर 35 स्थित किसान भवन पहुंची, तो पाया कि स्कूली बच्चों की प्रतिभा की एक खूबसूरत झलक दिखाई पड़ी, जिसमें बच्चों द्वारा लुभावने परिधान कपड़े, कॉस्मेटिक का सामान व बहुत सी ऐसी चीजें जो रोजाना इस्तेमाल की जाती हैं देखने को मिली। आप वीडियो में देख सकते हैं। और अर्थ प्रकाश के संवाददाताओं ने वहाँ मौजूद बहुत से छात्र छात्राओं से उनकी इस कौशलता को लेकर बातचीत भी की। सीनियर काउंसलर एंड इन चार्ज गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बाई सी। मैम, इस एग्जीबिशन के बारे में बताइए। इस एग्जीबिशन में सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में, 19 स्टॉल आज हमारे लगे हुए हैं, जिसमें 9 स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं। सारे जी हमारे पास होम साइंस बेस्ड कोर्सेज हैं, फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ब्यूटी स्टडीज। इसमें हम बच्चों को, बच्चे जो सामान बनाते हैं उनको प्रॉफिट कैसे होता है, हाउ टू सेल एंड हाउ टू परचेज द मटेरियल सिखाते हैं। फिर यही वोकेशन कोर्सेज जो प्लस वन प्लस टू में हमारे स्कूलों में बच्चे करते हैं, वो बच्चे कहाँ कहाँ जॉब्स करते हैं उसकी हमने ये, उसके लिए हमने ये बुक बनाई है, जिसमें हमने बताया है कि बच्चे आगे हमारे कहाँ कहाँ सेट हुए हुए हैं और इसकी वोकेशंस के क्या क्या एवेन्यूज है और बच्चे आगे जाके कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो कौन कौन से बच्चों के, कौन कौन से स्कूल के बच्चों ने इसमें भाग लिया? इसमें गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8, 18, 47, 32, मनी माजरा और सेक्टर 20B। जहाँ जहाँ हमारे होम साइंस बेस्ड कोर्सेज है, फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, हेल्थ केयर एंड ब्यूटी कल्चर है,
सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट। इसमें जो मटेरियल तैयार किया जाता है वो बच्चों को से ही करवाया जाता है, सिर्फ टीचर्स भी कुछ हेल्प वगैरह गाइड वगैरह? अरे बच्चे ही हमारे करते हैं, टीचर उनको पहले सिखाते हैं 4 महीने, फिर उनकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, उसमें ये बच्चे सीखते हैं। ये ट्रेनिंग बनाते हैं के लिए होती है? ये ट्रेनिंग 2 मंथ की होती है, जब प्लस टू के बाद बच्चे चले जाते हैं तो उसी ट्रेनिंग पीरियड में ये आके ये बनाते हैं, फिर हम अपनी एग्जीबिशन हर साल मई में लगाते हैं। मेरा नाम दिलजीत, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल सेक्टर 8। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल। अंजू जी, अंजू जी आपने लोगों के लिए क्या कुछ तैयार किया? हमें लोगों के लिए काफ़ी बैग तैयार किए हैं, जैसे कि उनके फेस के लिए जैसे कि स्क्रब है, स्क्रब करके उनके हाथों के लिए जो टैन ज़्यादा होता है उनको रिमूव करने के लिए होता है, और इसको हमें रोज वाटर के साथ यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये हमें ज़्यादातर बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, और ये रोज वाटर है जो कैसे तैयार किया आपने? सर रोज पेटल्स को बॉयल करके बाद उसका लिक्विड जो है उसको बना। ये बाकी प्रोडक्ट आपने मार्केट से लिए हैं कि खुद तैयार किए हैं? सर ये हमने अपने आप तैयार किए हैं। कैसे तैयार किए हैं? सर जैसे मैंने एग्जांपल दे दी स्क्रब का, स्क्रब में हमें करने चाहिए होता कैओलिन और डाले बहुत दालों का यूज़ किया हमने, जैसे जो हमारे फेस के लिए हमारे हैंड के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, जैसे मूंग दाल होगी, मसूर दाल हो तो, और इसमें हमें बेसन भी यूज़ किया है, और जैसे बेसन। कितना टाइम लगा आपको ये सब तैयार करने में? सर स्क्रब बनाने में हमें कह सकते हैं हाफ एन आवर लग सकता है, क्योंकि हमने ग्राइंड भी करा है। ओके, आपका नाम? माय नेम इज मुस्कान, वी आर फ्रॉम 8 मॉडल। 8 मॉडल, आपका नाम? माय नेम इज मनीषा, आई एम फ्रॉम 8 मॉडल। संदीप जी, आई एम फोटोग्राफर। संदीप सर फोटोग्राफर, जरा काउंटर पे आ जाओ। माय नेम इज संदीप सर। सर कितना टाइम लगा ये जो आपने मटेरियल तैयार किया? इसको 1 दिन लग जाता है एक बनाने में। हम स्टूडेंट्स को हमें सिखाया जाता है, हमें मैम के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें ब्लॉक यूज करते हैं हम, फिक्सर पिगमेंट डाई यूज करते थे बनाने के लिए। बनाने में मतलब कितने लोग लगते हैं, कितने बच्चे लगते हैं? ग्रुप में करें तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर इंडिविजुअली करें मतलब नॉर्मली 3-4 डेज। और आप लोगों ने क्या क्या तैयार किया? आपने क्या कुछ रेडी किया? सर हमने 13 हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हाँ जी, जिसमें हमारे 5 ड्राई फेस पैक्स है एंड क्यूकुम्बर पैक है, नीम पैक है, मिंट है, चंदन है, ऑरेंज है, एंड दिस इज ग्लो फेस पैक, एंड दिस इज इन अ वेट फॉर्म, एंड वी हैव मेड रोज वाटर टोनर, नरिशमेंट ऑयल, हेयर ग्रोथ ऑयल, हेयर पैक, ब्यूटी स्क्रब। ये सब आपने कैसे तैयार किया, मतलब ये कोई बाहर से प्रोडक्ट खरीदे? सर ये हमने सर हमारे स्कूल में हर्बल गार्डन है, सर हमने वहाँ से जैसे नीम, हिबिस्कस और पुदीना, सर ये मेहंदी। तो कितना कुछ मैम इसमें पैसा लगा इनका, बच्चों का या फिर आपके एजुकेशन सिस्टम का? स्कूल से फंड आता है, फंड बच्चा अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, अपने को सेल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद हमने क्या करना, वो अपनी शॉप खोल सकते हैं और ये सब प्रोडक्ट बना के सेल, और इसमें कोई भी केमिकल्स यूज नहीं किया, सारा हर्बल चीज़ें ही ये सब करते हैं, सीखते हैं, और ये सब इनकी क्रिएटिविटी है, ये इन्होंने खुद बनाए हैं, सीख के फिर उसके बाद ये चार्ट्स बनाए, अब ये यहाँ पे यही काम करते हैं जो आगे इनके लिए काम आएगा कि ये अपना पार्लर खोल सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। आपका नाम? अमन। अमन जी स्कूल आपने क्या कुछ तैयार किया? टैटू क्या इंटरेस्ट है कि वैसे ही जैसे ये फैशन के लिए मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट होता है, हाँ अच्छा होता है, हाँ क्रेज होता है, तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए टाइम मिल जाता है? हाँ, हमने अभी स्कूल में करा। स्कूल में करते हैं इसकी प्रैक्टिस भी? स्कूल में करते हैं, घर पे करते हैं? स्कूल में भी करते हैं। इंट्रोडक्शन ऊपर देख के बोल देना बस, ठीक है? हाँ जी, आपका नाम? मीनाक्षी। ये कुछ जो आप कर रहे हो ये क्या कहते हैं इसको? हाँ जी, नेल आर्ट। नेल आर्ट, तो इसका इंटरेस्ट पहले भी था कि स्कूल में आके हुआ? नहीं, स्कूल में था, पहले था। पहले नहीं था, पहले क्या सोचा हुआ था? पहले सोचा था स्टैनो करूंगी। तो आपको क्या लगता है इस फील्ड में आके ब्यूटी क्या कहते हैं ब्यूटी कल्चर में आके आपको बहुत ज़्यादा स्कोप दिखता है, क्योंकि इससे हम
अपना सलून भी खोल सकते हैं और मॉडलिंग की लाइन में भी जा सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, तो काफ़ी सारे स्कोप है। ये सब सिखाने के लिए आपको कितने मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है? हमें तो जैसे प्लस प्लस टू होता है ये वोकेशनल कोर्स, तो 2 ईयर्स लगते हैं। 2 ईयर्स? ये कोई छुट्टियों के बाद भी मे बी होता है आपका कुछ ट्रेनिंग टाइम? नहीं, ट्रेनिंग टाइम नहीं होता, स्कूल में हमें प्रैक्टिकल्स कराते हैं। निकिता मोहनका, मैं 10 मॉडल से हूँ, तो सेक्टर 10 में गवर्नमेंट सीनियर कैंडिडेट सेक्टर 10। आपका नाम? ऋषि। ऋषि भाई, आपका? अमन। अमन, आपने क्या कुछ लोगों के लिए आज प्यार किया? भोलपुरी। तो क्या कुछ प्राइस रखा है इसका? जी जंजीरा है 15 का, पाव भाजी 25 का, भोलपुरी 20 का एंड पास्ता 20 का। चेंज देखिए, आपने क्या किया? तो कितना टाइम लगा इन सबको बनाने में? और आज इन सब चीज़ों का सुबह तैयारी। तो सर, ये जीरा जो आपने बनाया है इसमें क्या कुछ आपने ऐड किया? सर, मोटर है, जीरा स्क्वैश है, पुदीना है, आमचूर पाउडर है, एंड ये सब आपने पूरा अपने हाथों से तैयार किया। इमली का पल्प है, इमली का पल्प डाला है, शुगर है, आमचूर डाला है, लेमन भी स्क्वीज किया है, जीरा पाउडर है। अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।